इटावा में यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 13 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल यह हादसा सैफई थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ, जहां तिमारुआ कट के पास दिल्ली से गोंडा जा रही तेज रफ्तार बस ट्रक से जा टकराई। जानकारी के अनुसार हादसे की शिकार हुई बस में करीब 65 यात्री सवार थे। वहीं इस हादसे में प्रतापगढ़ के बस चालक के साथ गोंडा के युवक की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बस की ट्रक से टक्कर होने की सूचना मिली। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे 105 और 106 चैनल के बीच में ये दुर्घटना हुई थी। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल वहाँ गया। उसमें जो बस का ड्राइवर था वो उसी में फंस गया था, एक अन्य यात्री था, दोनों की मौके पे मौत हो गई थी। बाकी 16 लोग जो गंभीर थोड़ा घायल थे उनको जिला अस्पताल भेजा गया तत्काल, उसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सैफई रिफर किया गया। इस पूरे मामले में अब तक 2 की मृत्यु हुई है, बाकी घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है। क्या जिनकी मृत्यु उनकी पहचान हो गई? देखिए, जिनकी मृत्यु, एक तो ड्राइवर है जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो गोंडा का रहने वाला है। ये बस भी दिल्ली से गोंडा के लिए जा रही थी। फिलहाल दोनों मृतकों के शवों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के मॉर्चरी में रखा गया है और हादसे की सूचना मृतकों और घायलों के परिजनों को दे दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए मृतकों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की है, साथ ही घायलों के निःशुल्क इलाज के लिए DM और CMO CMS को निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी TV के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।